गर्भधारणा तथा प्रेगनेंसी कब हो सकती है इसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे लोग आते हैं कि जिनको बच्चा चाहिए और बच्चा हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, इन्वेस्टिगेशन सब जाँच पड़ताल करने के बाद में कुछ मालूम नहीं पड़ता है और तभी भी बच्चा हो नहीं रहा है, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कॉमन कारण जो मैं लोगों को बताता हूँ उसके लिए, मतलब इलाज के लिए, कि वो ये है कि बच्चा पैदा कब हो सकता है, गर्भधारणा कब हो सकती है, मतलब प्रेगनेंसी कब रुक सकती है, रह सकती है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। और वो जानकारी से काफ़ी लोगों को फायदा होता है और जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो प्रेगनेंसी कब रह सकती है, ये सवाल है। तो मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक धर्म जो है महिला का, वो यदि बराबर 28 दिन में आ रहा है, हर 28 दिन में मासिक धर्म आ रहा है, और समझ के चलो कि साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रेगुलर है, तो समझो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, मासिक धर्म रेगुलर है, 28 दिन का है समझ के चलो, तो फिर कैलकुलेशन कैसा करना चाहिए। तो कैलकुलेशन फिर ऐसा होता है कि MC जब चालू होती है उस दिन का दिन पकड़ना पहला नंबर वन, और वो दिन में आप 14 दिन मिलाओ, मतलब एक तारीख को MC चालू हो गई उसमें 14 दिन मिलाने का है, मतलब तारीख आ गई 14, वो 14 तारीख जो उसको मार्क कर लेना, उसके 4 दिन पहले मतलब 11 12 13 और 14 और 4 दिन बाद में मतलब 15 16 17 18, तो जो 11 से 18 ये जो दिन है, ये दिन में यदि संभोग होता है तो उस समय प्रेगनेंसी रह सकती है। फिर से दोहराता हूँ कि मासिक धर्म जब चालू होने का दिन जो है पहला दिन, वो हम पहला पकड़ते हैं, वहाँ से यदि वो काउंट करने के समय पहला दिन है, समझो एक तारीख है वो, और एक तारीख को चालू हो गया, तो वहाँ से 11वें दिन से 18वें दिन तक ये जो दिन है 8 दिन, उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी रहने के या बच्चा रहने के या गर्भधारण होने के। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि समझो मासिक धर्म जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, वो 12वें तारीख मतलब महीने के 12वें दिन चालू हो गई, तो 12वें दिन चालू हो गई मतलब 12th डे चालू हो गई, तो 12th डे में आप 11 मिलाएंगे मतलब 23 तारीख, और 23 तारीख से 30 तारीख तक ये जो 8 दिन है, ये 8 दिन में मैक्सिमम चांसेस है गर्भधारण होने के या प्रेगनेंसी रहने के। अभी ये बात मैं कर रहा हूँ कि जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लेडी की, जो महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम रेगुलर है, मगर जिनकी रेगुलर नहीं है वहाँ क्या, तो वहाँ एक मोटा मोटा ऐसा हिसाब है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोई महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कभी एक महीने की, डेढ़ महीने की होती है, फिर उसमें कैसा करना, तो उसमें कैलकुलेशन करने का तरीका यह है कि MC चालू होने के 7 दिन पहले और MC चालू होने के 7 दिन बाद, MC जिस दिन शुरू होती वहाँ से 7 दिन बाद और MC चालू होने के 7 दिन पहले, मतलब ये 14 दिन कैलकुलेट आप करते हैं तो उसमें गर्भधारण होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। फिर बाकी दिन संभोग करते हैं तो बाकी दिन गर्भधारण हो सकती है गर्भधारण। अभी मेरे पास में अभी एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बता रहा कि भाई एक साल हो गया शादी को और प्रेगनेंसी नहीं रह रही। फिर जब इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि वो काफ़ी घूम फिरने वाला आदमी है, काफ़ी टूरिंग करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन में जो मैं बोल रहा हूँ उसी समय जब उसने घर में रहना चाहिए और उनका इंटरकोर्स होना चाहिए, संभोग होना चाहिए, उसी समय उनका संभोग नहीं हो रहा, बाकी दिन हो रहा, और जब बाकी दिन हो रहा है तो गर्भधारणा कैसी हो जाएंगी, हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जिनको मतलब प्रेगनेंसी रखने का है उन्होंने ये देखना है कि गर्भधारणा होने के चांसेस जो है वो मासिक धर्म चालू होने का दिन पहला वो मार्क कर दे, वहाँ से 11th डे 11वां दिन से 18वां दिन जो है 11 से 18 वो दिन में मैक्सिमम चांसेस है, 90% चांसेस है कि गर्भधारणा हो जाएगी।
मगर उसके लिए फिर है कि भाई धातु चेक करना, उसमें स्पर्म्स है कि नहीं है, मतलब शुक्राणु है कि नहीं है, फिर इधर लेडी का चेक करना कि भाई जो उसका उसका जो अंडा निकलता है, एक निकलता है, तो वो बराबर है कि नहीं है, और मतलब वो जांच करना सब जरूरी है, और वो सब नॉर्मल है तो फिर 11 दिन से लेके 18 दिन तक चांसेस ज़्यादा है। चांसेस कब नहीं है? पहले 7 दिन, एमसी चालू होने के पहले 7 दिन, एमसी जिस दिन चालू होगी वहाँ से 7 दिन चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो ये देखते हैं यहाँ से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रेगनेंसी होती क्यों है या होती क्यों है, दोनों मालूम पड़ेगा, और वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।